तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज विंडो। विंडो के बारे में किसको उसको मालूम है बताओ? आप बताओ। नहीं पता आपको? पता नहीं पता आप? कुछ नहीं आप विंडो माने खिड़की। आप दरवाजा नहीं खिड़की। आप खिड़की। तो हमने पूछा केवल विंडो, तो विंडो का मतलब आप लोगों को नहीं मालूम है? तुम दिमाग में बसा लिए कहां कि हम विंडो एसी के बारे में जा रहे हैं। हमने पूछा क्या कि विंडो के बारे में किसको किसको मालूम है? वो बताया उसका नाम जहांगीर है, ऐसी नहीं नाम पड़ा जी। जा जानकारी, आपसे पहले वो भारत में आ गया था, समझे ना? आपका जब राज्य बना था ना सद्दाम का, उससे पहले वो सब भारत था, मरा नहीं गया तो सब मरा गया था। विंडो का मतलब क्या होता है? खिड़की। तो हमारे घर में सबके यहाँ खिड़की तो होगा ही होगा। इस तरीके का होता है खिड़की। अब इसमें एक पल्ला, दो पल्ला और तीन पल्ला, ठीक है? ये एक पल्ला है, ये दूसरा पल्ला है और इसमें दो पल्ला है। इस टाइप का एक विंडो होता है। किसी किसी में विंडो घर में दो पल्ले का होता है, ठीक है? किसी किसी घर में विंडो बहुत छोटा लेकिन उसमें भी दो पल्ला होता है। तो इसके बारे में जब जानकारी हो जाएगा तो आप विंडो एसी लगाना शुरू कर देंगे कि विंडो में कैसे विंडो एसी को हम लोग लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। चलिए, जिसके आप लगाने गए वो बता रहा है क्या कि हमको विंडो में नहीं लगाना, मेरा विंडो बर्बाद मत करो, हमको दीवार में लगाना, ठीक है? उसी तरीके से लगेगा जो तरीका यहाँ फिट है, यहाँ फिट है और यहाँ फिट है, और यहाँ वॉल में भी ये फिट होगा। यहाँ वॉल में भी ये फिट होगा। वॉल दीवार नहीं दिख रहा तुमको? ईंट से बना हुआ दीवार है, प्लास्टर को हम कैसे दिखाएंगे? ईंट से बना हुआ दीवार है, ये खिड़की है, ये खिड़की है, ये खिड़की है। अब हमको इसमें विंडो सेट करना है, इसमें सेट करना है, इसमें सेट करना है, इसमें सेट करना है। तो सबसे पहले हमको नोट करो, सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि ऊंचाई विंडो एसी लिखे, विंडो एसी लिखो। अभी तो हम विंडो के बारे में पढ़ा रहे हैं, विंडो एसी लिखो। नहीं नहीं आप समझो ना, वो बनाना क्या है। सबसे पहले हमको देखना है ऊंचाई, विंडो एसी का ऊंचाई कितना है। मान लो ये विंडो एसी हो गया, यहाँ पे सब दिख रहा है आपको, ठीक है? ये हो गया पीसीबी, ये हो गया आपका ग्रिल, ये आपका हो गया, यहाँ पे फिल्टर होता है विंडो एसी में, इसको ऐसे अप करोगे या फिर ये ऐसे खुलेगा तो वहाँ एक फिल्टर होगा, फिल्टर को निकालना है हमेशा, ऑलवेज साफ करना है। तो ये भाग क्या हो गया? पीसीबी हो गया। ऊंचाई विंडो का ऊंचाई हो गया डक्ट का, यहां से यहां तक ऊंचाई, ठीक है? यहां से यहां तक चौड़ाई, ठीक है? यहां से यहां तक हो गया डेप्थ,
तो इसको आपको मापने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये घर के बाहर चला जाएगा। तो आपको ऑलवेज ऊंचाई और चौड़ाई मालूम होना चाहिए किस विंडो एसी का कितना है। लगभग लगभग जनरल एयर कंडीशन का 26x17 इंच होता है, 26x17 इंच होता है, 26 हो गया ये और 17 हो गया ये इंचेस में, इंच का दिया हुआ है साइन, तो 17 और 26, तो 26 और 17 हम कैसे मापेंगे? अगर हमको वहां लकड़ी लगाना है तो ये हो गया 26 इंची और ये हो गया 17 इंची, मतलब अंदर अंदर हमको उस डक्ट को बैठाने के लिए चाहिए। अब इसके ऊपर तुम 2 इंची का मोटाई रखो या 4 इंची का रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये 2 इंच की चौड़ाई होगी या 4 इंच की होगी उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमको अंदर अंदर 17 इंच और 26 इंच। जैसे इसमें जो फ्रेम लगेगा लकड़ी का तो इसमें सटा हुआ होना चाहिए ना, तो सटा हुआ हो तभी तो स्क्रूविंग करोगे, स्क्रू उसमें कसोगे, काटी ठोकोगे, तो जो करना है। अब ये लकड़ी में 2 छेद यहां होंगे और 2 छेद यहां होंगे, इसको वॉल में सटा के दाग ले लिए, ये लकड़ी को उठा के हम यहां ले आए, तो ये लकड़ी इतना बड़ा हुआ, अंदर अंदर इसका 26 इंची और इधर 17 इंची है, या फिर इस चीज को हम यहां ले आए, तो अब यहां नापे इस तरीके से, तो ये 26 इंच और ये 17 इंच, वहां भी कटिंग करना है, यहां भी कटिंग करना है। यहां कटिंग कैसे करेंगे? ये जो लकड़ी है इसमें हम बारी भाग से दाग लगाएंगे, दाग लगा दिए, अब ये लकड़ी को हम हटा लिए। हटाने के बाद हम कल जो ड्रिल मशीन बनाए थे उससे क्या करना है, हमको सेंटर में डाल के वाइब्रेट पैदा करना है। जब वाइब्रेट करेंगे तो उसका पहले प्लास्टर छूटेगा, प्लास्टर छूटने के बाद ईटा में इतना वाइब्रेशन होगा कि उसमें जो मसाला डालते हैं राजमिस्त्री, वो एक ईटा निकल आएगा। एक ईटा जब निकल जाएगा, यहां से मान लो एक ईटा निकल गया, अब सारा ईटा एक दूसरे से खाली हो गया, अब हथौड़ी मारते जाओ और सारा ईटा को हटाते जाओ, तो पूरा इससे बड़ा छेद हो गया, यही होगा ना, या फिर कम छेद होगा। लकड़ी को हम बैठा के देखेंगे, लकड़ी बैठा या नहीं, बैठ गया तो इस होल में और इस होल में, इस होल में और इस होल में आप कीला ठोक दो या फिर चाइनीज कांटी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, 2 ऐसे और 2 ऐसे दीवार को पकड़ लिया। दीवार पकड़ने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते हो कोई, पीओपी, पीओपी में व्हाइट सीमेंट लगाना है एक साथ मिला के, और जितना दीवार जो गैपिंग था लकड़ी से इधर, उसको हाथ से या फिर फाइबर आता है छोटा छोटा 25 या 30 रुपया में देगा, जिससे पट्टी काटते हैं उससे लगा के चिकना कर दो, चिकना हो गया। अब ये एयर कंडीशन को हम बाहर निकालेंगे, आपको मिलेगा दिखाने को, एयर कंडीशन को बाहर निकालेंगे, इसका अंदरूनी भाग पूरा बाहर आ जाएगा, आपके पास बच जाएगा केवल ये डक्ट। डक्ट को उठाएंगे और इसमें फिट करेंगे, फिट करते समय ऑलवेज याद रखना कि वो पीछे की ओर थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में वो मशीन आगे की ओर से पानी टपकना शुरू करेगा, ठीक है। तो हल्का पीछे से, जैसे ऐसे कोई एकदम स्ट्रेट खड़ा करता है तो आप हल्का ऐसे कर दीजिए, तो पानी जो भी यहां से आ रहा है वो पीछे की ओर जाएगा, पीछे की ओर जाके और नाली से निकल जाएगा, तो निकलेगा तो पानी पीछे गिरेगा। अगर आप एकदम स्ट्रेट में लगा दे रहे हैं और नाली उसका जाम हो गया है तो क्या होगा, 1-2 साल में पानी आगे से टपकना शुरू होगा, तो क्या होगा, कस्टमर बोलेगा मेरे मशीन में से पानी टपक रहा, आके इसको चेक करो, आपको
कितना भी कुछ कर लिए, नाली साफ कर दिए, कुछ भी कर दिए, पानी टपकेगा ही टपकेगा। तो इसीलिए इंस्टॉलेशन के समय ही आपको थोड़ा पीछे की ओर हल्का, मतलब हाफ इंच आप झुका दीजिए। चलो हाफ इंच नहीं झुका है, कम से कम क्या होता है 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, ऐसे होता है ना, कुछ तो आप झुका दीजिए पीछे की ओर, एकदम स्ट्रेट मत रखिए। स्ट्रेट नापने के लिए आपके पास स्प्रिट लेवल होगा, स्प्रिट लेवल। स्प्रिट लेवल से आप क्या क्या चीज चेक कर सकते हैं, स्प्रिट लेवल का डिजाइन कुछ इस तरह होता है। ठीक है, इसमें पानी का एक बुलबुला होगा सब में, जैसे ही एकदम स्ट्रेट होगा, जैसे आप ऐसे वाला नाप रहे हैं इससे नापेंगे, ऐसे वाला नाप रहे हैं तो इससे नापेंगे, ऐसे वाला नाप रहे हैं तो इससे नापेंगे, सभी जगह पे पानी बीच में जब आ जाएगा तो आपका सब चीज सही है, अन्यथा गलत है। अब हमको डाउन में लेके जाना है तो इसको देखेंगे कि हम ऊपर उठाते हैं तो ये इधर आता है, नीचे झुकाते हैं तो ये बुलबुला इधर आता है, तो हमको कितना झुकाना है। सर ने बताया था 1 to 5 mm झुका दो या हाफ इंच तक झुका दो, तो देख लोगे उससे पता तुमको चल जाएगा। स्प्रिट लेवल का वर्क दो जगह काम करता है, दो जगह में कहां कहां, एयर कंडीशन को चेक करने के लिए, दूसरा जगह वॉशिंग मशीन को लेवलिंग करने के लिए। कहां कहां वर्क करता है, वॉशिंग मशीन लेवलिंग के लिए और एसी को वहां पर क्या चेक करते हैं, उससे लेवल चेक करते हैं, लेवल चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, किस चीज का, एसी का और किस चीज का, वॉशिंग मशीन का। अगर लेवल गड़बड़ रहा है तो क्या होगा, पानी जम जाएगा तो बाहर आने लगेगा, मतलब आगे की ओर से गिरना शुरू हो जाएगा। आप बताइए स्प्रिट लेवल से क्या क्या करते हैं, स्प्रिट लेवल से क्या करते हैं, बस खाली इतना बताइए ना, लेवल जांच करेंगे। स्प्रिट लेवल को कितने भागों में चेक कर सकते हैं, तीन भागों में। स्प्रिट लेवल होता क्या है, लेवल लेवल करने के लिए, लेवल जांच करने का एक यंत्र है। स्प्रिट लेवल क्या होता है, हेलो प्रिंस राज, स्प्रिट लेवल क्या होता है, एक यंत्र होता है। स्प्रिट लेवल से क्या क्या चीज हम जांच कर सकते हैं, जितना हम बताएं उससे एक आध चीज और ज्यादा बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ आपसे, आपसे ब्लैक शर्ट आप बताइए, वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कंडीशन हो गया, और वो हर चीज का लेबलिंग आपको बता सकता है। तो आप यहाँ टाइल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आप यहाँ राजमिस्त्री का काम करने नहीं आए हैं, आपको वर्क करना है क्या क्या चीज, जैसे आरओ लगाना है तो आरओ स्ट्रेट है कि नहीं, स्टेबलाइजर लगाना है स्टेबलाइजर स्ट्रेट है कि नहीं, आप जब आउटडोर का ओडी क्लैंप लगाते हो, स्टैंड जिसको बोलते हैं, वो भी जांच कर सकते हो। अभी यहाँ से कहीं जाओ निशाबाद तक में, उसमें देखना एकाध दो ठो एयर कंडीशन ऐसे रहेगा। वो क्यों ऐसे रहता है, इसलिए कि उन लोग लेवल जांच नहीं करता है, जहाँ मन किया वहाँ ठोक दिया ना, सीधा लगे यहाँ सीधा वहाँ हो गया कर दिया, इसलिए लेवल जाँच करना ही करना है। लेवल जाँच आप नहीं कीजिएगा तो आप टेक्नीशियन हो जाएगा, लेवल जांच कीजिएगा तो आप इंजीनियर कहलाइएगा। तो इंजीनियर का एक इंस्टॉलेशन हमेशा ऑलवेज सही होता है और टेक्नीशियन का सो सो, कभी सही भी कभी गलत भी। क्या आप मैट्रिक पास बेरोजगार हैं,
आपको तलाश है कोई अच्छा सा जॉब का जिसमें आप रोज हजारों कमा सकें? अगर हाँ तो फिर आपके लिए है खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आइए गिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स राय कॉलोनी एम्स रोड फुलवारी शरीफ पटना में, क्योंकि गिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स पेश करते हैं आपके लिए 3 महीने का रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कोर्स, जिसमें आपको सिखाया जाएगा फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव रिपेयरिंग एंड इंस्टॉलेशन, सॉफ्ट स्पोकन और कस्टमर रिलेशन।